Dear students, in our last video, I have taught you about microorganism and us. On the basis of their behavior, microorganism can be divided into two classes, that is friendly microorganism and harmful microorganism. I taught you about friendly microorganism, medicinal uses of microorganism, fermentation, making of curd and bread. And today I am going to teach you about how does a vaccine work, yani ek vaccine kaise kaam karta hai. When a disease causing microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. Means jaise hi koi disease causing microbe yani disease फैलाने वाला माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारी बॉडी में तुरंत एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए, जो हमलावर है. इन्वेडर मीन्स हमलावर, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं. दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द वीकेंड माइक्रोब्स एंड रिमेन इन द ब्लड टू फाइट एनी फर्दर अटैक बाई सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. उसके बाद ये जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाते हैं वैक्सीनेशन के बाद, ये क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड में जो भी वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ तैयार हुए, ये जो वीकेंड माइक्रोब्स इंसर्ट किए गए हैं बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू, इनसे लड़ करके इनको तुरंत ख़त्म कर देते हैं और अपनी ख़ुद के अंदर एक डिज़ीज़ से जो माइक्रोब्स हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उनसे लड़ने के लिए खुद को खड़ा कर लेते हैं, वो ये एंटीबॉडीज़ हैं. ओके, चिल्ड्रन आर मोस्ट सेंसिटिव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी सच हार्मफुल माइक्रोब. एप्रोप्रिएट वैक्सीन्स मस्ट बी गिवन एट सुटेबल स्टेज. चिल्ड्रन मीन्स जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उनको किसी भी इस तरह की बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए जो एप्रोप्रिएट वैक्सीन होती है उसको सुटेबल एज पर कंटिन्यूसली दी जाती है. सच वैक्सीन्स आर ईजिली अवेलेबल इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स. और इस तरह की जो वैक्सीन्स हैं वो ईजिली हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल हैं. और टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि बच्चों को एक कार्ड बनवाया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बेसिस पर उस सुटेबल एज पर वो तमाम जो वैक्सीन्स हैं वो लगाई जाती हैं. तो कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो रिकमेंडेड हैं इम्यूनाइजेशन के लिए, देखिए. सून आफ्टर बर्थ यानी बर्थ के थोड़ी ही देर बाद स्मॉल पॉक्स, BCG, इन सब की वैक्सीन लग जाती हैं. वैक्सीन मीन्स एक्चुअली टीका. 4 to 9 मंथ्स में DPT की ट्रिपल वैक्सीन. 1 ईयर का जैसे ही बेबी हुआ स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन होता है. 1.5 to 2 ईयर्स में DPT का वैक्सीन बूस्टर डोज, पोलियो के बूस्टर डोज. 3 to 4 ईयर्स में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन. 5 to 6 ईयर्स में DPT, टाइफॉइड वैक्सीन, ये सारी चीज़ें बच्चों में इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए लगाई जाती हैं. इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी. द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉयल. यू नो वेरी वेल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है सॉइल के अंदर. सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. वैसे ही सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हैं, जो कि रूट नोड्यूल्स में रहती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं और किस में कन्वर्ट कर देती हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती हैं. एज अ रिजल्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. और इस तरह से माइक्रोब्स एक बार फिर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में इस्तेमाल किए जाते हैं. हियर इज नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी. यू कैन वॉच, दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड हियर इज द नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स, नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. किस तरह के नोड्यूल्स होते हैं, अगर आपने एक लेग्यूमिनस प्लांट मींस मटर
जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट है, पल्सेज जो हैं, सो मेनी काइंड्स ऑफ पल्सेज आर लेग्यूमिनस। तो इनके अगर प्लांट को आप बड़ी अच्छी से सावधानी के साथ सॉइल में से बाहर निकालते हैं और उसको वॉश करके वाटर से आप देखेंगे तो इस तरह के नूड्यूल्स आपको दिखाई देंगे, और इन्हीं नूड्यूल्स में रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो दे सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिनजिंग द एनवायरनमेंट। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन टू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंसेज। देर आर सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आर एनवायरनमेंट दैट दे डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट एंड प्लांट्स। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ भी, कोई भी अगर एनिमल की डेथ हो जाती है, कोई प्लांट जो है वो गिर जाता है सूख करके, तो कुछ ही दिनों में आप देखते हैं वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके पीछे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो कि इनको डेड ऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल एंड हार्मलेस सब्सटेंसेज में इन वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सब्सटेंसेज गेट इन टू द सॉइल एंड यूज बाई अदर प्लांट्स। और ये जो सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया इन डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं थॉरली, एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज द क्लिनजिंग एजेंट ऑफ द नेचर। इन दिस वे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं दैट वी कैन नॉट एबल टू सी सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद आर नेकेड आइज, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को इस तरह से क्लीन करते हैं। सो दे आर कॉल्ड क्लिनजिंग एनवायरनमेंट, क्लिनजिंग द एनवायरनमेंट। Anaerobic bacteria degrade the animal dung into biogas and the leftover slurry can be used as a manure. और जो anaerobic bacteria होती है, this is also a kind of microorganism. इसका क्या काम है? ये animal dung जो होता है, animal dung means जो animal का waste होता है उसको biogas में convert कर देता है, और जो residue बचता है, जो slurry बचती है, जो waste बचता है, उसको manure के रूप में use कर दिया जाता है। Now I am going to teach you about the harmful microorganism. So many microorganisms are there that is harmful to human beings, plants and animals. अभी हमने friendly microorganism के बारे में पढ़ा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं harmful microorganism के बारे में। Such microorganism may cause disease in human, plants and animals, spoil food, clothing and leather. यानी ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स में इस टाइप की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये डिजीज़ क्रिएट करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, और फूड स्पॉयल कर देते हैं, हमारे क्लोथ को ख़राब कर देते हैं, और लेदर, इन सब चीज़ों को ये स्पॉयल कर देते हैं यानी ख़राब कर देते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एट वन टाइम और अदर सफ़र फ्रॉम अ डिजीज़। हम सबको कभी ना कभी कुछ न कुछ बीमारियाँ होती रहती हैं, है ना? तो दीज डिजीज आर कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो भी बीमारियाँ हमें होती हैं टाइम टू टाइम, जैसे कभी किसी को सर्दी हो गई, खांसी हो गया, बुखार हो गया, कफ कोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर आवर बॉडी वेयर दे मल्टीप्लाई, डैमेज द बॉडी सेल्स एंड कॉज द डिजीज। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये किसी भी सोर्स से हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और इजीली इमीडिएटली ये हमारी जो बॉडी सेल्स है उसको डैमेज कर देते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। अ लिस्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द डिजीज कॉज्ड बाय देम इज गिवन बिलो। ये देखिए कुछ एक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनसे कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं उनके बारे में एक टेबल दिया गया है, यू कैन वॉच इट थॉरली। बैक्टीरिया से कौन से डिजीजेस फैलती हैं, दैट इज़ निमोनिया, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग, टाइफॉइड एंड डिप्थीरिया। फंजाई से स्किन डिजीजेज आर देयर, सो मेनी काइंड्स ऑफ फूड पॉइजनिंग दैट इज स्प्रेड बाय फंजाई, प्रोटोजोआ, मलेरिया, काला अजार, अमाइबिक डिसेंट्री एंड गियरडियासिस। देयर आर सम काइंड्स ऑफ डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय प्रोटोजोआ, वायरस, पॉलीमाइलाइटिस, चिकन पॉक्स, ल्यूकेमिया, एड्स, मीजल्स, कंजक्टिवाइसिस, रेबीज, डेंगू, हेपेटाइटिस, दीज आर सम डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। एंड यू कैन एबल टू वॉच द डायग्राम ऑफ सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ एंड ऑल्सो
वायरस. ओके, दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंपली एज पैथोजेंस. यानी ये जो बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको बोलते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंपली पैथोजेंस बोलते हैं. इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? पैथोजेंस. पैथोजेंस डिस्टरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी दैट अटैकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जो पैथोजेंस हैं ये हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, जो नॉर्मल इसकी काम करने की कैपेसिटी होती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को अटैक करके. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर अवर बॉडी थ्रू. कैसे ये हमारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं डिजीज़ कॉजिंग, ये कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं? फूड के ज़रिए, वाटर से, एयर से. अगर हमारे बॉडी के ऊपर कहीं कोई कट लग जाए, है ना, एंड डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट से. ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और पैथोजेंस हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं. और कैरियर्स सच एज मॉस्किटो एंड फ्लाइज. और मॉस्किटो और फ्लाइज कुछ एक ऐसे इंसेक्ट्स हैं, यू कैन से, जो करियर हैं, जो कैरियर हैं इन सारे पैथोजेंस के, जिनके ऊपर ये पैथोजेंस चलते हैं, जिनके सलाइवा में कई टाइम्स जो है ये होते हैं और इनके लेग्स में चिपक जाते हैं और जब भी किसी फूड पर ये बैठते हैं ये उसको पूरी तरह से स्पॉइल कर देते हैं. द नॉलेज ऑफ द कॉजिटिव ऑफ द नॉलेज ऑफ द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म their life cycle and modes of transmission is helpful in the effective prevention of the disease. अगर इन causative organism के बारे में हमें knowledge होगी, इसकी life cycle के बारे में हम जानते होंगे, इनका mode of transmission क्या है, कैसे ये interact करते हैं, अगर इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे तो इन disease के effective जो रोकथाम है उसको हम कर सकेंगे और इन disease से हम बच सकते हैं. Disease caused by microorganism and viruses. Now we are going to discuss about the diseases that is caused by microorganism and viruses. ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो microorganism और वायरस के थ्रू फैल सकती हैं. First, I am going to talk about communicable disease. ऐसी डिजीज़ जो easily transmit हो जाती है one person to another, direct or indirect contact से, इसको बोलते हैं communicable और infectious disease. Just like tuberculosis, cholera, typhoid, malaria, dysentery are some of the common communicable disease. ये जो diseases हैं ये commonly, easily one person to another transmit हो जाती हैं. And communicable diseases are transmitted through contaminated food, water, air, insect, infected clothes, utensils, etc. ये सारी चीज़ों के जो नाम मैंने अभी आपको काउंट कराए हैं इनके ज़रिए ये कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है. ओके, विद दिस आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़. एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़.